मुख्तार यूसुफी। हाँ आइए। वाह वाह। पहले हंस ले, उसके बाद मैं सुनाता हूँ। चार मिसरों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। देखिए, मजाहिया शायर की ये बड़ी खूबी होती है कि आवाम फैसला नहीं कर पाते कि उसके शेर पर हंसे या उसके चेहरे मोहरे पर हंसे। जरा नवाजिया, दोनों पे हंसी तो सब चल जाएगा। हमारे डाइस पे एमएलए साहब भी हैं, पाटिल साहब भी हैं, बस चार मिसरे में बगैर किसी तमहीद के आप समझ जाएंगे। देखिए कि नुस्खा ये काम आएगा, बस इतना ध्यान रख। नुस्खा ये काम आएगा, बस इतना ध्यान रख। पंजा कमल जहाज न तीरों कमान रख, पंजा कमल जहाज न तीरों कमान रख। और चक्कर से बस निकलने का आसान है इलाज, चक्कर से बस निकलने का आसान है इलाज। मिंबर अगर है बनना तो चमचा निशान रख। के नुस्खा ये काम आएगा, बस इतना ध्यान रख। नुस्खा ये काम आएगा, बस इतना ध्यान रख। पंजा कमल जहाज न तीरों कमान रख। और चक्कर से बस निकलने का आसान है इलाज। मिंबर अगर है बनना तो चमचा निशान रख। और चार मिसरे और देखिए कि कोई लीडर गरीबों का मसीहा हो नहीं सकता। क्या कहने, वाह 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 वाह। कोई लीडर गरीबों का मसीहा हो नहीं सकता, करे वो लाख वादा कोई पूरा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। करे वो लाख वादा कोई पूरा हो नहीं सकता। ढनोरा चाहे जितना पीट ले वो पारसाई का, करेला फिर करेला है वो मीठा हो नहीं सकता। क्या कोई लीडर गरीबों का मसीहा हो नहीं सकता, और करे वो लाख वादा कोई पूरा हो नहीं सकता। ढंडोरा चाहे जितना पीट ले वो पारसाई का, करेला फिर करेला है वो मीठा हो नहीं सकता। और देखिए लीडरों के चलन साथियों, देखिए लीडरों के चलन साथियों, खा गए जो हवाला का धन साथियों, खा गए जो हवाला का धन साथियों। और हथकड़ी लग गई जब तो कहने लगे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हवाला का धन साथियों, और हथकड़ी लग गई जब तो कहने लगे अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। चार मिसरे और देखिए, भाईचारे की फिजा बहुत पूरे हिंदुस्तान में, एकता की फिजा कायम कीजिए। क्यों कायम नहीं हो रही? चार मिसरे मेरे देखिए अनवर साहब के, भाईचारे की फिजा कायम करो इस देश में, भाईचारे की फिजा कायम करो इस देश में, ताकि मिल जाए फसादो शर से छुटकारा हमें, ताकि मिल जाए फसादो शर से छुटकारा हमें। पर अजब दस्तूर है मुख्तार अपने मुल्क में, हम तो उनको भाई समझे और वो चारा हमें। पर अजब दस्तूर है मुख्तार अपने मुल्क में, हम तो उनको भाई समझे और वो चारा हमें। और चार मिसरे देखिए, मनसूबा मंडी में बहुत शेर सुने होंगे तुमने, अभी अडवाणी साहब भी कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो होना चाहिए। देखिए कि थी सियासत साफ सुथरी और कुछ गंदी भी थी, थी सियासत साफ सुथरी और कुछ गंदी भी थी। और हिंद में हम दो हमारे दो की पाबंदी भी थी, हिंद में हम दो हमारे दो की पाबंदी भी थी। और तू ही नादा चंद बच्चों पर कनात कर गया, तू ही नादा चंद बच्चों पर कनात कर गया, वरना तेरे पास मंसूबा भी था बंदी भी थी। थी सियासत साफ सुथरी और कुछ गंदी भी थी, हिंद में हम दो हमारे दो की पाबंदी भी थी। और तू ही नादा चंद बच्चों पर कनात कर गया, वरना तेरे पास मंसूबा भी था बंदी भी थी। और मुद्दत से था जो दिल में वो अरमान,
मुझको चचा जान ले चले और दुल्हन चली जो साथ तो मुख्तार ने कहा, दुल्हन चली जो साथ तो मुख्तार ने कहा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। क्या कहने मुख्तार साहब, दुल्हन चली जो साथ तो मुख्तार ने कहा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। और एटम हो या के बम के पटाखा जनाब हो, एटम हो या के बम के पटाखा जनाब हो, मेरी नजर में तुम तो फकत एक कसाब हो। और धमकी से भर के सास की कहना पड़ा मुझे, जो भी हो तुम खुदा की कसम। धमकी से भर के सास की कहना पड़ा मुझे, जो भी हो तुम खुदा की कसम, लाजवाब हो। अब वो जो मैखाने में मैखार नजर आते हैं, वो जो मैखाने में मैखार नजर आते हैं, शक्ल सूरत से तरी पार नजर आते हैं, शक्ल सूरत से तरी पार नजर आते हैं। और देखकर बाप को मैखाने में बेटे ने कहा, देखकर बाप को मैखाने में बेटे ने कहा, घर की बर्बादी के आसार। अच्छा बहुत, अरे भाई आइए मुख्तार भाई। हाँ मुख्तार भाई, दोस्तों शहर के तमाम जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ रखते हैं। हाजी फैजान भाई साहब कल्याण वाले जहाँ भी हों उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाएं। हाजी फैजान भाई कल्याण वाले, उनसे मैं इल्तमास कर रहा हूँ। कल जैसा उनका हाल था वैसा ही हाल है। अब बूढ़ा शजर है दोस्तों कमजोर डाल है, बूढ़ा शजर है दोस्तों कमजोर डाल है। और गाते हैं नाना आज भी नानी को देखकर, गाते हैं नाना आज भी नानी को देखकर, जाने बहार हुस्न तेरा। गाते हैं नाना आज भी नानी को देखकर, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। और यूं ही चलते चलते मैंने किया जब उसे इशारा, यूं ही चलते चलते मैंने किया जब उसे इशारा, वहीं घेर कर सड़क पर कई भाइयों ने मारा। वहीं घेर कर सड़क पर कई भाइयों ने मारा, कभी पीछे आए गुंडे कभी घर पे आए पुलिस, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। और देखिए कि सफर कश्ती का था, बुढ़िया ने पूछा अपने बेटे से, सफर कश्ती का था, बुढ़िया ने पूछा अपने बेटे से, बहू के साथ मैं डूबू तो किसको तू बचाएगा। बहू के साथ मैं डूबू तो किसको तू बचाएगा। कहा बीवी ने शौहर से, तुम अम्मा को बचा लेना। कहा बीवी ने शौहर से, तुम अम्मा को बचा लेना, बचाया रहेगा। और देखिए तभी अशार सुन के अपने ही बेगम के सामने, अशार सुन के अपने ही बेगम के सामने, किस सादगी से वाह किए जा रहा हूं मैं, किस सादगी से वाह किए जा रहा हूं मैं। और ससुराली फौज देख के मुख्तार ने कहा, कांटों से भी निभा किए जा रहा हूं मैं, कांटों से भी निभा किए जा रहा हूं मैं। और किसी साहब को चस्का लग गया था शेर गोई का, किसी साहब को चस्का लग गया था शेर गोई का, उन्होंने सोच कर अपना तखल्लुस रख लिया अब्बा, और हुए मशहूर पब्लिक में, मगर मुश्किल यह पहुंची, उन्हें कहते हैं सबके साथ उनकी अहलिया। अच्छा क्या शायर है, मजाहिया शायर की ये खूबी हुआ करती है कि जो बातें बंद कमरे में भी कहते हुए शर्म महसूस हो उसे वो बड़ी आसानी से स्टेज पर कह देता है। और यही खूबी शायरी की और शायर की होती है कि समाज का हर तबका अपनी कमजोरियों को छुपाता है, सिर्फ शायर एक ऐसा तबका है जो अपनी कमजोरियों को भी बड़ी आज़ादी से बयान करता है। यहीं पर आकर के शायर का एहतराम बढ़ जाया करता है कि उसके यहाँ छुपाने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं जनाब मुख्तार यूसुफी को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया, हमें हंसने हंसाने का मौका दिया, और थोड़ी देर सही हमें अपने गमों से नजात मिली, उससे फुर्सत मिली। मुख्तार साहब के